आज लगभग 12:30 बजे की घटना है। कोतवाली थाना क्षेत्र के जो बिलसुंडा है एरिया, वहाँ पर मेन रोड में घटना घटित हुई है। मृतिका रूपा धीवर जो है वो बीएड सेकेंड ईयर की छात्रा है, जो कि अपनी बड़ी बहन हेमलता धीवर के साथ कुछ दवाइयाँ लेकर लौट रही थी रास्ते में। तो जो आरोपी है चंद्रशेखर परमार, ये अपने दो दोस्तों के साथ बाइक में आता है और लड़की को पकड़ के उसके कनपट्टी में बंदूक जो देसी कट्टा है वो टिकाकर उसने गोली से फायर कर दिया, जिसके कारण लड़की की मौके पर ही मौत हो गई थी। हॉस्पिटल ले जाते हुए वह मतलब जब ले गए हॉस्पिटल तब तक वो मृत घोषित की गई थी। प्रथम दृष्टया ये प्रेम प्रसंग का मामला लग रहा है। लड़की ने लड़के से बात करने से इनकार कर दिया था, जिससे क्षुब्ध होकर इसने घटना को अंजाम दिया है। एक तरफा प्रेम प्रसंग का मामला लग रहा है प्रथम दृष्टया। ये जो लड़का वेपन्स कहाँ से आया है, जो कट्टा रखा है ये देसी कट्टा, ये बता रहा है कि ये दिल्ली जब गया था कभी तो दिल्ली आगरा के आसपास इसको मिला है। लड़का नदी मोड़ घुड़ारी का रहने वाला है, बेसिकली ये ड्राइवरी का काम करता है और पूर्व में बता रहा है कि लड़की के साथ पढ़ा भी है कभी और इससे परिचित था। इसके जो दो अन्य साथी जिनके साथ मिलकर ये वारदात का अंजाम दिया गया, उनके नाम क्या है, वो कहाँ का रहने वाला है और अभी वो कहाँ है? जो मुख्य आरोपी है चंद्रशेखर, उसका एक साथी है भरत निषाद और एक और अन्य आरोपी है, दोनों घटना से फरार हो गए हैं और टोटल 3 लोग हैं। अभी इनमें पुलिस किन धाराओं के तहत कार्रवाई कर रही है? इसमें IPC की धारा 302 के तहत कार्रवाई की जा रही है और आरोपी को गिरफ्तार किया जा रहा है। और उसके दो साथी हैं, उसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं? आरोपी के जो फरार साथी हैं उसकी पता तलाश का पूरा प्रयास किया जा रहा है, जल्दी गिरफ्तार किए जाएंगे। और मतलब अपनी बड़ी दीदी के साथ में एक छोटी बच्ची थी, तो उसको वहीं से ही देख लिया। क्यों मारे? सर उसका मेन रीज़न ये है कि हम लोग साथ दोनों के साथ एक बार झगड़ा हुआ था, उसके बाद उसके घर वाले समझा के गए थे, तो फिर उसके बाद उसके मतलब मम्मी वाला मैटर हुआ तो फिर मतलब वो कर दिए थे, धमका रहे थे। डिलीट कर दूं।